हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के ऊपर भर्ती है। एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में हवलदार के पोस्टों के ऊपर भी अब की बार एसएससी ने न्यू पोस्ट कई सालों के बाद में हवलदार की पोस्ट निकाली है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रहेगी 22/3/2022 और लास्ट डेट रहेगी 30/4/2022। फॉर्म टाइम टू रिसीव टू ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4/2022 को 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको टाइम वर्किंग टू मेकिंग टू ऑनलाइन फीस पेमेंट रहेगी आपकी 2/5/2022 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम टू जनरेशन टू ऑफलाइन चलान की रहेगी आपकी 3/5/2022 11 बजे तक रहेगी। लास्ट डेट टू पेमेंट टू थ्रू चलान, वो आप चलान के थ्रू बैंक के थ्रू 4 तारीख तक कर सकते हैं। डेट्स टू विंडो टू एप्लीकेशन फॉर्म टू करेक्शन, करेक्शन के लिए आपकी जो पेमेंट टू करेक्शन के चलान जो हो गया आपकी, वो आप 5/5/2022 से 9/5/2022 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका July 2022 में रहेगा। डेट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफिकेशन टू लेटर, नोटिफिकेशन बाद में आएगा सेकेंड एग्जाम। टेक्निकल के स्टाफ के पदों के ऊपर व हवलदार के पदों के ऊपर भर्ती है। 7th पे कमीशन इसमें आपका लागू रहेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है और हवलदार की भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्टेड टैक्सेस ऑफ कस्टम, कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे आप हवलदार। और सीबीएन की रहेगी आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, अच्छे डिपार्टमेंट है दोनों ही। हवलदार की सीबीआईसी और एंड सीबीएन में आपकी 3603 वैकेंसी हैं टोटल। और एमटीएस की विल बी इंटरमीडिएट लेटर के ऊपर करीबन 7000 पोस्टें आएंगे, अभी शो नहीं कर रखी इन्होंने ये रिलेशन। इनका जो जो छूट मिलेंगे हैंडीकैप टू नेम ऑफ द पोस्ट हवलदार में, सबमिट टू कैटेगरी टू बैक मार्क्स ऑफ डिसेबिलिटी वाले को जो छूट होती है उसके बारे में है। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया के भर सकते हैं, एक सब्जेक्ट ऑफ टू नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के भी। एस सी एस टी कैटेगरी के लिए आयु में 5 ईयर्स की छूट रहेगी। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की रहेगी और पीडीडब्ल्यू में 10 ईयर्स की और पीडीडब्ल्यू में 10 ईयर्स की और ओबीसी में 13 ईयर्स की, पीडी में एस सी एस टी में 15 ईयर्स की। एक्स सर्विस मैन एएसएम में 3 ईयर्स टू डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। इसमें आपकी फॉर्म की वैसे 18 से 25 और 18 से 27 ईयर्स दो कैटेगरी में आपका फॉर्म भरा जाता है। 18 से 25 की एक कैटेगरी रहेगी, 18 से 27 की दूसरी कैटेगरी रहेगी। 18 से 27 साल तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आयु में कैटेगरी वाइज छूट अलग से है। इसमें पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें जनरल इंग्लिश 25 नंबर की और 25 ही क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी 25, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 की होगी और 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस भी आपकी 25 नंबर की होगी और 25 ही क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का टाइम रहेगा। 120 मिनट्स टू ऑफ द कैंडिडेट एजिलिटी ऑफ द स्क्रीनिंग्स एज पर 8.1 and 8.2 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स की ईच रॉन्ग आंसर के ऊपर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो सेकंड पेपर होगा डिडक्टिव, वो सॉर्ट इजी टू ए लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज टू इंक्लूडिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50 नंबर का रहेगा, 25+25 का। 45 मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट्स टू 4th कैंडिडेट्स टू एजिबल ऑफ द सब्सक्राइब्स एज पर पैरा 8.1 and 8.2। सेकेंड आपका 50 नंबर का रहेगा एग्जाम जिसमें लेटर पैड के ऊपर आपको रिटर्न करना होगा। फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। सेकेंड में आपका लेटर बेस रहेगा हिंदी, पेपर विल बी सेट इन हिंदी, English to other लैंग्वेज to mention your schedules, constants to giving to answer XIV। इसमें ऐसे होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश। फिजिकल एफिशिएंसी हवलदार के लिए रहेगी, आप फॉर्म को दोनों बेस के ऊपर फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपके वॉकिंग और साइकिलिंग अगर आपसे फिजिकल नहीं होता है तो आपका MTS में सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आप हवलदार का दोनों पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करें फॉर्म को। हवलदार में CBIC एंड CBN में आपको फिजिकल करना पड़ेगा जिसके लिए वॉकिंग रहेगी 1600 मीटर 15 मिनट में और साइकिलिंग रहेगी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। और लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए रहेगा 1 किलोमीटर वॉकिंग रहेगी 20 मिनट में और 3 किलोमीटर की इन 25 मिनट में आपकी साइकिलिंग रहेगी। साइकिलिंग नोट भी अवेलेबल ऑफ द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPM। अगर आप DGPM में जाएंगे तो आपके लिए
हवलदार के लिए साइकिलिंग नहीं है, नहीं सीबीआईसी में जाएंगे तो आपके लिए सीबीआईसी में आपके लिए साइकिलिंग अवेलेबल नहीं है और सीबीएन में आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और बता देता हूँ मैं आपको, हाइट रहेगी आपकी 157 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की फ्लावट होनी चाहिए। फीमेल के लिए हाइट रहेगी 152, 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गोरखा में छूट मिलेगी, 48 केजी वेट जरूर होना चाहिए, 2 केजी की छूट है इन केस ऑफ गोरखा असामीज के लिए, पीटी पीएसटी विल बी सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए, वॉरियर्स के लिए दोनों पोस्टों के लिए आपकी पीटी और पीएसटी करना पड़ेगा। कई सालों के बाद में हवलदार की पोस्ट आई है, आप अप्लाई जरूर करें। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जैसे पहले पहुंचे। थैंक यू।